क्या घर को साफ रखना, क्लीन रखना और ऑर्गेनाइज रखना इतना मुश्किल है? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ सबसे पहली टिप जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मॉर्निंग में उठने के बाद ना, मैं सबसे पहले अपने जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे से, उनमें पानी डालती हूँ। और पानी डालने के साथ ही ना, मैं यहाँ पर एक छोटी सी टॉवल है माइक्रोफाइबर की, उसको हैंडी रखती हूँ। यानी कि ये जो विंडो है ना, तो विंडो में ही मैं हमेशा एक छोटी सी टॉवल को लगा के रखती हूँ, जिससे कि मॉर्निंग में मैं अपने पौधों को पानी देने के बाद अगर मुझे कोई भी जो पॉट है वो गंदा लग रहा है, जैसे कि मिट्टी वगैरह की पानी की जो छींटे आ जाती हैं ना पानी डालते वक्त, तो वो जो होती है ना, वो मैं इसी टाइम पर ही क्लीन कर देती हूँ। मुझे इसके लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ता। और इसी टाइम पे ही जो भी मुझे अपने जो मैं शीशी में लगाकर, यानी कि मनी प्लांट्स को अलग से ग्रो करती हूँ वाटर में, तो उसको भी मैं इसी टाइम पे ही मतलब पानी को चेंज वगैरह भी कर देती हूँ। तो अगर आपके यहाँ भी एक छोटा सा बालकनी एरिया या फिर आपने एक छोटा सा गार्डन बना रखा है, प्लांट्स वगैरह आपको लगाने का शौक है, तो उसको, यानी कि हम लोग जितने प्लांट्स रखते हैं तो उनकी उतनी केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस यहाँ पे मैं एक छोटी सी माइक्रोफाइबर की टॉवल हैंडी रखती हूँ, जिससे कि जब भी मैं बालकनी में आऊँ, यानी कि यहाँ पौधों के पास आऊँ, तो मैं इसको क्लीन कर सकूँ, अलग से मुझे ऐसा ना हो कि मैं बाहर जाऊँ। और इसी टाइम पे ही जो भी मुझे प्लांट्स वगैरह मैं ग्रो करती हूँ अलग से, तो उनकी भी जो वाटर वगैरह मुझे चेंज करना होता है तो वो भी कर देती हूँ। और ना, ये कुछ मेरी जो लीव्स हैं इसकी, वो थोड़ी ख़राब हो गई हैं ज़्यादा धूप वगैरह मिलने की वजह से, तो मैंने ना इसको अब नीचे रख दिया है। नेक्स्ट है कि प्लांट को यहीं पर रखने के बाद मैंने जो भी पानी वगैरह लगाया था ना, तो वो थोड़ा सा बाहर भी, यानी कि फर्श पे गिर जाता है, तो इसी टाइम पे ही मैं इसको नेक्स्ट टाइम के लिए, यानी कि नहीं छोड़ती हूँ, और इसी टाइम पे ही मैं वाइपर वगैरह यहाँ पे लगा देती हूँ, जिससे कि हम लोग या बच्चे वगैरह यहाँ पर आ जाएँ खेलते हुए, तो फिसलने का डर बिल्कुल भी ना रहे। नेक्स्ट स्टेप है के बालकनी से या बाहर जो मेरी गैलरी है उससे अंदर आने के लिए ना, मैं यहाँ पे एक डोरमैट रखती हूँ, जिससे कि पैरों की जो भी गंदगी वगैरह है वो अंदर तक ना आए। बच्चे वगैरह ना टीवी देखते हैं तो कभी कभी ना उन पे हाथ वगैरह भी लगा देते हैं, तो बच्चों के जो फिंगर वगैरह होते हैं वो लग जाते हैं। और यहाँ पर ना मेरा एक छोटा सा टीवी कैबिनेट है, तो पानी वगैरह पीने के बाद भी ग्लास वगैरह भी यहीं आ जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि मैं दोपहर में जब भी रेस्ट करने जाऊँ, तो उससे पहले मैं हर एक जगह को अच्छे से चेक कर लूं, और जो चीज़ मुझे जहाँ की नहीं दिखती है, यानी कि दूसरी जगह की है, तो मैं उसको उठा देती हूँ। तो यहाँ पे ना ग्लास वगैरह जो थे वो रिमोट थे, तो वो मैंने उसी की जगह पर रख दिए, ग्लास वगैरह हटा दिए। साथ में जो टीवी थी तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि बच्चों के फिंगर वगैरह ना इस पर लग जाते हैं। तो डेली ही अगर आप लोग इस तरह से चलते फिरते भी देखते हैं कोई भी काम और उसको ठीक कर देते हैं, या जिस जगह की नहीं है वो चीज़ उठा के आप लोग उसी की जगह पर रख देते हैं, तो इससे भी ना आपका घर काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज और क्लीन रहने वाला है। जब बच्चे घर में होते हैं तो बच्चे खेलेंगे कूदेंगे और काफ़ी सारे जो हैं सामान को भी बिखेरेंगे, साथ में टॉयज़ वगैरह को भी बिखेरेंगे, तो अब हम उनसे मना तो नहीं कर सकते हैं ना। तो ये हमारा काम होता है कि जो भी टॉयज़ वगैरह बच्चों ने बिखेर के, यानी कि खेल के बिखेर दिए हैं, तो आप उनको एक छोटी सी बास्केट वगैरह बना लें और तुरंत उनको उठा के उसी की जगह पर रख दें। और ये जो काम है ना, वो दिन में मेरा कम से कम 8 से 10 दफ़ा होता ही है। तो अगर हम इन कामों से चिड़चिड़ाएंगे तो इस वजह से ना घर हमारा बिल्कुल भी क्लीन और ऑर्गेनाइज नहीं रह पाएगा, ना ही हम इन कामों को नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग करते हैं तो हार्डली आपको 1 से 2 मिनट लगते हैं इन चीज़ों में, और जो क्लीनिंग वगैरह होती है वो तो हम लोग मॉर्निंग में कर ही देते हैं।
उस टाइम पे ना बस हमें जो चीज़ें वगैरह बच्चे बिखेर देते हैं तो उनको देखना होता है। अगर हम लोग ये आदत डेली अपने ले आते हैं रूटीन में, तो यकीन माने कि आपका घर एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा, प्लस आपको भी अच्छा लगेगा। और जब भी आप थक हार के लेटने बैठने जा रहे हैं तो बस एक बार आप लोग सारी जगह को चेक कर लें। तो यहाँ पर जैसे कि चेयर वगैरह के जो कुशन थे वो बिगड़ गए थे, तो बस उनको भी मैंने यहाँ पर ठीक कर दिया। और इससे ना जो हमारे कुशन वगैरह होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, साथ में ठीक करने से वो शाम तक काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं। 24 hours हमारा घर एक जैसा नहीं रह सकता है, उसके लिए हमें काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ख़ास करके बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, या फिर ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कितने भी एफर्ट्स लगा लूँ या कितने भी कोशिश कर लूँ मेरा घर बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं रह रहा है। बच्चों के साथ जब भी आपको टाइम मिले, आप उस टाइम पर जो आपको काम दिख रहा है वो आप समेट सकती हैं। जैसे कि ना कपड़े वगैरह फोल्ड करने हुए, तो आफ्टरनून में जैसे कि मुझे अगर सुबह में टाइम मिल जाता है तो मैं सुबह में कर देती हूँ, अगर नहीं मिलता तो मैं आफ्टरनून में भी अपने जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं फोल्ड करके या प्रेस करने के लिए होते हैं वो मैं इस टाइम पे भी कर देती हूँ। तो बच्चों के साथ आपको जिस टाइम पे आपको काम मिले तो आप कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि फिर आप ये सोचें कि चलो छोड़ो अब तो इतना टाइम हो गया तो मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगी, या फिर इवनिंग में कर लूँगी, या छोड़ो मैं नेक्स्ट डे कर लेती हूँ। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल भी अपने अंदर ना लेकर आएँ। जो भी आपको टाइम जिस वक्त भी आपको मिल रहा है कि हाँ मेरा ये काम है, बच्चे सो गए हैं या फिर बच्चे अपने खेल में लगे हुए हैं और कोई भी एक एरिया वो ख़राब करके चले गए हैं, तो बस फटाफट से आप उस एरिया को क्लीन कर दें। तो यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह थे, बच्चे सो गए थे तो मैंने कपड़ों को फोल्ड करके रख दिया है उन्हीं की जगह पर। और चलते फिरते भी मुझे जो भी चीज़ दिख जाती है ना बिखरी हुई या थोड़ी इधर उधर जो पड़ी हुई होती है, तो मैं उसको भी उसी टाइम पर ही समेट देती हूँ। कर्टिन वगैरह मुझे हल्के फुल्के बिखरे हुए या फिर थोड़े बिगड़े हुए दिखते हैं ना, तो उसको भी मैं ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने कपड़े वगैरह जो थे वो फोल्ड कर लिए थे, बेडशीट को मैंने सुबह ही झाड़ के अच्छे से टकिंग कर दिया था, तो इस टाइम पे मैं फिर से इसको झाड़ के बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। बस हल्की फुल्की जो ख़राब हो गई है ना तो मैं उसको बस ठीक कर दूंगी, साइड से उसको अच्छे से टकिंग कर दूंगी और पिलो वगैरह सेट कर दूंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम लोग अपनी बेडशीट को सुबह में ठीक कर चुके हैं तो आफ्टरनून में इवनिंग में हम उसको फिर से करें। हाँ, अगर ज़्यादा बिगड़ गई है तो आप उसको कर सकते हैं। है कि आप लोग अपने बेडरूम के बाहर भी कोशिश करें कि एक डोरमैट लगा के रखें, क्योंकि हम लोग के पैरों में जब हल्की फुल्की डस्ट वगैरह होती है तो हम लोग जब बेड पे बैठने के लिए या बेडरूम में अंदर जाते हैं तो जो भी डस्ट वगैरह हो वो हम लोग अपनी डोरमैट पे अच्छे से पैरों को झाड़ लें और उसके बाद अपने बेड पे बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग के कहीं से भी आने के बाद तो आपके जो भी शूज़ वगैरह हैं, स्लीपर्स हैं, तो उनको ऐसे ही पड़ा ना छोड़ें। आप कहीं से भी अगर आए हैं, आप हैं, बच्चे वगैरह हैं, हस्बैंड हैं, तो उनके शूज़ वगैरह को आप लोग क्लीन करके उसी की जगह पर रख दें। और जब आप लोग शूज़ वगैरह रख रहे हैं तो कोशिश करें उसी टाइम पर ही आपको हल्का फुल्का शूज़ रैक में कोई भी शूज़ स्लीपर्स बिगड़े हुए दिख रहे हैं तो आप उसको भी ठीक कर दें। जो भी आपकी शूज़ रैक है, छोटी बड़ी जैसी भी है, जब भी आप उसकी डीप क्लीनिंग करेंगे तो आपको इतना सारा वक्त नहीं लगेगा। बस आपने जो भी एक या दो शूज़ स्लीपर जो भी बिगड़े हुए देखे आपने उसी वक्त पे ही ठीक कर दिए हैं, तो बिल्कुल भी आपके इतना टाइम नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉक्स थे गंदे, वो मैंने उन्हीं से ही शूज़ को क्लीन कर दिया और अब उन सॉक्स को मैं वॉश करने के लिए डाल दूँगी। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मॉर्निंग में ना हम लोग बेडशीट वगैरह चेंज नहीं कर पाते हैं, तो मेरा इसी तरह से रहता है। कभी कभी तो मैं कर देती हूँ बट कभी कभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है मॉर्निंग में, तो मैं ना फिर आफ्टरनून में बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। तो अगर इस तरह से आप लोग भी करते हैं तो इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं है। जब भी टाइम मिले आप उस टाइम पे अपने घर को क्लीन कर सकती हैं, या बेडशीट वगैरह है, सोफे के जो भी कवर हैं वो चेंज करने हैं तो वो आप लोग उस टाइम पे कर सकती हैं। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग में मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी थी बट जो बेडशीट थी वो मैं चेंज नहीं कर पाई थी, तो आफ्टरनून में मैं अपने जाने से पहले यानी कि थक हार के रेस्ट करने से पहले मैं इस बेडशीट को भी
चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट की अच्छे से टकिंग कर दी, जो भी मुझे पिलो कुशन वगैरह रखने थे तो बस उनको ठीक कर दिया। तो जब इस तरह से हम लोग छोटी छोटी सी चीज़ें कर देते हैं ना, तो घर में भी एक डिफरेंट लुक आ जाता है। साथ ही जो भी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की थी तो उसको मैं ऐसे ही पड़ा नहीं छोड़ूंगी। जहाँ हम लोग अपने वॉश करने वाले कपड़े रखते हैं मैं उन्हें उसी जगह पर रख दूंगी। नेक्स्ट है कि बच्चे वगैरह बुक्स वगैरह अपने आप ले लेते हैं तो वो ना काफ़ी दफ़ा मतलब बुक्स वगैरह बिगाड़ देते हैं। तो आप लोग अगर आपको टाइम मिल रहा है तो बस बुक्स को आप उठा के उसी जगह पर यानी कि उनको सेट करके रख सकती हैं। जो बुक्स जिस तरह से रखनी है, एक्स्ट्रा नोटबुक हैं, आप उन्हें अलग रख सकती हैं। तो ये छोटे छोटे से जो काम होते हैं वो 1 से 2 मिनट के होते हैं, और अगर हम लोग चलते फिरते ये करते रहते हैं ना तो काफ़ी ही हमारा घर एकदम से नीट एंड क्लीन रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलती रहूँगी मैं इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।